हेलो जी, वेलकम बैक बॉलीस विथ मनीष। मतलब ये कैसे हो गया, कैसे कैसे किस तरह से, मतलब अर्जुन कपूर अच्छा एक्टिंग कर लिया, मतलब सपने में ऐसा लगता है डूबा हुआ हूँ। सीरियसली अर्जुन कपूर का सरदार द ग्रैंड सन आज रिव्यू करने वाले हैं। अर्जुन कपूर को बाद में लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं मूवी का स्टोरी ना कुछ नया नया आपको देखने मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये सरदारनी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान बंटवारा होने से पहले ये पहले लाहौर में रहता था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो इंडिया में रहने लगे। लेकिन इनका जिंदगी का आखिरी मोमेंट में इनका ख्वाहिश है कि लाहौर जाकर अपना घर एक बार देख ले। लेकिन कुछ वजह की वजह से वो पाकिस्तान जा नहीं पाते, लाहौर जा नहीं पाते और अपना घर नहीं देख पाते। तो उनके जो सरदार के ग्रैंडसन मतलब अर्जुन कपूर प्रॉमिस करता है, वादा करता है भाई लाहौर वाला घर इंडिया में लेके आएगा। मतलब सुपरमैन है नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। बस में भी लेके आ सकता है, लॉरी में भी लेके आ सकता है, मतलब ऐसा मत सोचो सुपर हीरो टाइप का। मतलब ऐसे अर्जुन कपूर सुपर हीरो नहीं हो सकता, मतलब इतना भी नहीं है यार। एक्चुअल में ऐसा होता भी है, मतलब बना बनाया घर ट्रक में बैठा है और कहीं और शिफ्ट करवा दिया, मतलब ऐसे होता भी है लाइफ में। मतलब आपने ऐसे कभी देखा नहीं होगा ना, तो इस मूवी के अंदर अभी देख सकते हो। मतलब लाहौर से सीधा पाकिस्तान से सीधा पंजाब में घर आ रहा है, मतलब कुछ नया टॉपिक मिल जाएगा। अर्जुन कपूर का पानीपत देखे मैंने अभी तक नींद से उभरा नहीं था, फिर एक और मूवी सोच के मतलब डर रहा था भाई अर्जुन कपूर है, मतलब मजबूरी देखना तो था भाई, स्टोरी थोड़ा अलग था सोच के देखना था। लेकिन मैंने सोचा नहीं ऐसे हो जाएगा मेरे साथ यार। गाना मूवी का अंदर ठीक ठाक है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज ओके ओके गुड गुड नॉट बैड एंड स्क्रीन प्ले बहुत बेहतर है। लेकिन अर्जुन कपूर मूवी का एक्टिंग की बात करूँ भाई, नीना गुप्ता मतलब छा गया भाई। जब जब भी मतलब स्क्रीन में आया ना तब में एक्टिंग में धांसू मार दिया, मतलब सुपर। उनका जो परफॉर्मेंस है ना मतलब जबरदस्त यार, मतलब जब भी वो आया ना स्ट्रांगली मतलब एक रोल ऐसे मतलब बेखूबी दिखाया अपने एक्टिंग। उसके बाद दो और लव स्टोरी के बारे में, जैसे जॉन अब्राहम आदिति दोनों की केमिस्ट्री ना, छोटा सा रोल है लेकिन मस्त सुपर। और एक लव स्टोरी था अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह का, मतलब दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं दे रहा था यार। मतलब जब भी अर्जुन कपूर स्माइल देता था तभी परफेक्ट एक्टिंग, मतलब उसका फेस से ना अर्जुन कपूर का फेस से तभी एक्टिंग झलकता था। टेंशन भरे सीन है ना वहाँ पे भी अर्जुन कपूर स्माइल दे रहा है, मतलब समझ जाओ यार, मतलब कभी भी कॉमेडी बना दिया पूरा मूवी को अर्जुन कपूर। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अर्जुन कपूर इतना अच्छा एक्टिंग किया, थोड़ा स्टोरी अलग है न्यू है लेकिन आपको देखने जरूर मजा आएगा। एक बार तो आप जरूर 100% देख सकते हो, अर्जुन कपूर को बर्दाश्त कर सकते हो इस मूवी के अंदर। और बाद में की मूवी आप देखने के बाद आप ही खुद ही डिसाइड करो रिव्यू कितना दिया जाए ना जाए।